नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। धनबाद लोकसभा से इंडी प्रत्याशी अनुपमा सिंह हीरापुर में रोड शो कर रही है, आपको सीधे वहां लेकर के चलते हैं। अमर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से ये रोड शो निकाला गया है, हजारों की संख्या में समर्थक देखने को मिल रहे हैं। भारी जो समर्थकों का है वो साथ मिलता दिख रहा है अनुपमा सिंह को। जी अनिकेत, देखिए आपको बता दें, अभी हम मौजूद है धनबाद के हीरापुर स्थित विवेकानंद चौक के पास। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे इंडी गठबंधन के जितने भी समर्थक हैं वह यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मौजूद है, और लगातार जो कांग्रेस की प्रत्याशी है अनुपमा सिंह वो अपने मत में जो है लोगों से यहाँ पे अभी जनसंपर्क के लिए पहुंची हुई। इनका जो रोड शो है अभी यहाँ पे धनबाद के हीरापुर स्थित विवेकानंद चौक से जो है सीधे तौर पे हरि मंदिर तक जो है जाएगा। लगातार जो है यहाँ से अभी जो है हम अभी मैम से जुड़ेंगे और बात करेंगे किस तरह से यहाँ पे वो पहुंची है और किस तरह से। एक मिनट, आ गया। जी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से अनुपमा सिंह जो है कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पहुंची है और लोगों को क्या कुछ कहना है। एक मैडम, क्या कुछ कहेंगे? जनसंपर्क के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? किसके लिए? जनसंपर्क के लिए आए। क्या आप देख सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं, लोगों की आंखों में आशा दिख रही है कि शायद अब हमारे धनबाद लोकसभा का विकास होगा। इसलिए आज 3 दिन बचे हुए मैडम, 3 दिन। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, बस मैं आपके द्वारा उन लोगों को अपील करना चाहती हूँ जिन लोगों से मैं शायद नहीं मिल पाई हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे समझे। जिस तरह से कम दिनों में लोग मुझे प्यार देने का, आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, मैं आपके हर छोटी बड़ी समस्या में आपका साथ दूंगी। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि 25 तारीख को जरूर से जरूर आज शाम को 1 नंबर बटन पर ही वोट करें। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा अनिकेत, यहाँ पे सीधे तौर पे अनुपमा सिंह का यही कहना है कि जितने भी लोग हैं वो आगामी 25 तारीख को जो धनबाद में लोकसभा चुनाव होने वाला है उनमें ये लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रही है, लोगों तक अपनी बातों को रख रही है। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में इनकी सरकार आती है और ये लोकसभा सीट से विजयी होती है तो धनबाद के आवाम के जितने भी ज्वलनशील मुद्दे हैं, जितने भी कमियां हैं जिसको लेकर लोग इनसे अवगत हो रहे हैं, इनसे रूबरू हो रहे हैं, उसमें ये खड़ी उतरेंगी। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि इनका यही प्रयास है कि जहां तक जो भी संभवतः इनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसमें ये अपना शत प्रतिशत देने का प्रयास करेंगे। अनिकेत जी, अमर, जिस तरीके से अनुपमा सिंह जी ने कहा कि काफी कम समय में उन्हें जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो उनके लिए सबको धन्यवाद भी किए, जिस तरीके से उनका कहना है कि आगे बढ़ चढ़ कर आए और उनके समर्थन में मतदान करें, तो कहीं ना कहीं उनका जो मानना है कि काफी कम समय में समर्थकों का साथ उन्हें भरपूर मिल रहा है। जी बिल्कुल अनिकेत, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य, आप देख सकते हैं कि पूरा हीरापुर बाजार जो है आपको लबालब समर्थकों से आपको भरा हुआ दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, लोग उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट यह बयां कर रही है कि उन्हें जिस तरह का आम आवाम का प्यार मिल रहा है उससे वह काफी गदगद है, उससे वह काफी खुश है। और आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे इंडी गठबंधन के जितने भी यहाँ के स्थानीय नेतागण है वो भी यहाँ पे मौजूद है और उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। लोगों को वो खुद समझा रही है, पूरी भीड़ को, जिस तरह से भीड़ जो है उन्हें देखकर काफी हर्षोल्लास है, तो वो सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है। आगे तो आगे आप देख रहे हैं कि पीछे के लोगों को भी, कि कोई लोग उनसे छूट ना जाए, वो हर एक लोगों तक अपने अभिनंदन को जो है उन तक अपना जो संदेश है वो पहुंचाना चाह रही है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनका यह जो पूरा आप अभिनंदन देख रहे हैं उनका सीधे तौर पर हम यही कह सकते हैं कि वो एक एक शख्स को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के एक एक आवाम तक जो है वो अपने दिल और दिमाग तक, उनके दिल और दिमाग तक अपनी छाप छोड़ना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से सभी लोगों तक वो अपनी जो है आप देख रहे हो कि अपने संदेश को पहुंचा रही है, लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रही है, बार बार वो हाथ का जो है चिन्ह दिखाकर सीधे तौर पर 1 नंबर बैलेट पे वोट देने की बात कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आम जो
चुनाव की बात है, चूंकि खास करके सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में अभी का जो यह समय है काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी है वो एडी से सर तक अपनी जोड़ आजमा रहे हैं। ऐसे में अनुपमा सिंह जो कि पहली बार मैदान में कूदी है, वो भी लोकसभा सीट लोकसभा क्षेत्र जैसे मैदान में, ऐसे में ये इनके लिए कम समय में जिस तरह से ये मेहनत कर रही है, अब वो तो देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या होगा, लेकिन जिस तरह से इनको जनसमर्थन मिल रहा है यह देखकर सीधे तौर पर वो काफी खुश है। और लगातार आप देख रहे हैं कि उनका लगातार स्वागत अभिनंदन यहाँ पूरे हीरेपुर के लोग कर रहे हैं। अनिकेत जी अंबर, बिल्कुल जिस तरीके से काफी कम समय में वो लोगों के बीच में अपनी पहचान बना चुकी है और जन जन तक पहुंच रही है और समर्थकों के पास पहुंच रही है और अपने हित में मतदान करने की भी अपील भी कर रही है। अंबर, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।